हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। एक पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। सो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कि अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरर कहलाता है, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट पाने वाले व्यक्ति को ट्रांसफरी कहते हैं, और ट्रांसफरी को सब पार्टनर कहते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर शेयर के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं राइट ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर। किसी भी पर्सन को सभी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना पार्टनरशिप फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। एट द सेम टाइम किसी भी एक पार्टनर को अपने प्रॉफिट का शेयर किसी अन्य पर्सन को ट्रांसफर करने से रोका भी नहीं जा सकता है। इस केस में जो पर्सन प्रॉफिट के शेयर को पाता है उसे सब पार्टनर कहते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर्म में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर या मोर्टगेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर पार्टनर। सो अगर सी अपने प्रॉफिट का हिस्सा डी को ट्रांसफर करता है तो डी सब पार्टनर कहलाएगा। आइए समझते हैं राइट ऑफ सब पार्टनर। पार्टनरशिप के दौरान सब पार्टनर प्रॉफिट पाने के लिए इंटाइटल्ड होता है, लेकिन सब पार्टनर को बिजनेस के कंडक्ट में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं होता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट को भी इंस्पेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट के समय सब पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव करने का अधिकार होता है, और अपने प्रॉफिट के शेयर को सुनिश्चित करने के लिए उसे बुक्स ऑफ अकाउंट को भी इंस्पेक्ट करने का अधिकार होता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मींस गारंटी फॉर मल्टीपल ट्रांजेक्शन। जब तक कि कोई एग्रीमेंट न हो जाए, फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने से फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी रद्द हो जाता है। एग्जाम्पल, ए सेल गुड्स टू बी। नाउ सी डी एंड ई जो कि पार्टनर्स हैं, बी के बिहाफ पर डी पेमेंट करने का गारंटी लेता है। नाउ ई की अगर डेथ हो जाती है तो फ्यूचर में जितने भी ट्रांजेक्शन है जिनके लिए कंटिन्यूइंग गारंटी दिया गया है रद्द हो जाएगा। आइए लास्ट समझते हैं राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फॉर्म। फॉर्म में चेंज पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज को चेंज नहीं करता है। आइए समझते हैं वो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। एग्जाम्पल, इनकमिंग ऑफ न्यू पार्टनर, आउटगोइंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एंड चेंज इन बिजनेस ऑफ द फर्म। एंड नेक्स्ट है जहां एक फर्म जिसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, एंड एक फर्म जिसने न्यू वेंचर में इन्वेस्ट किया है। सो सब पार्टनर के कॉन्सेप्ट में आज के लिए बस यही तक। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।